गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आई बुक की पेज नंबर 115 में सेल्स टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स में सेल्स टैक्स ST, वैल्यू एडेड टैक्स VAT। ठीक है, जब भी देखिए, वेन एवर वी आर प्रेजेंटेड विथ अ बिल इन एनी शॉप, देर इज ऑलवेज अ स्मॉल अमाउंट विच इज एडेड टू द टोटल अमाउंट ऑफ अवर बिल, दिस इज कॉल्ड सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स इज चार्ज बाय द गवर्नमेंट ऑन द सेल ऑफ एन आइटम एंड चार्ज ऑन द सेलिंग प्राइस ऑफ द आइटम। VAT is calculated as a percentage of the selling price and is added to the total amount of the bill। ठीक है, जब भी हम प्रेजेंट होते हैं किसी भी शॉप पे एक बिल के साथ, ठीक है, प्रेजेंटेड किए जाते हैं, तो वहाँ हमेशा एक स्मॉल अमाउंट होती है जो एडेड रहती है टोटल अमाउंट ऑफ आवर बिल में, वो कहलाती है सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स जो है वो चार्ज किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा किसके ऊपर, सेल ऑफ एन आइटम के ऊपर, एंड चार्ज किया जाता है ऑन द सेलिंग प्राइस ऑफ द आइटम के ऊपर। VAT जो है वो कैलकुलेटेड किया जाता है एज अ परसेंटेज के फॉर्म में जो होता है ऑफ द सेलिंग प्राइस का, एंड एडेड किया जाता है टोटल अमाउंट ऑफ द बिल में। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट पेज नंबर 116 में। इन शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं कि जो सेल्स टैक्स होता है या वैल्यू एडेड टैक्स होता है वो टैक्स होता है जो सेलिंग प्राइस होती है एक आइटम की उसमें इंक्लूड रहता है। ठीक है, एज ए एक्सरसाइज 9.4 के क्वेश्चन नंबर 1 में, 9.4 क्वेश्चन नंबर 1, द प्राइस ऑफ एन एयर कंडीशनर इज ₹19,000, इफ 10% ST इज चार्ज, फाइंड द अमाउंट पेएबल बाय द कस्टमर। प्राइस जो है एक एयर कंडीशनर की है ₹19,000, अगर 10% ST जो है चार्ज किया जा रहा है तो हमें अमाउंट फाइंड करनी है जो पेएबल होगी बाय द कस्टमर के द्वारा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होगी वो प्राइस अमाउंट और कैसे फाइंड करेंगे उसे हम। सबसे पहले हम लिखेंगे CP। CP यानी कॉस्ट प्राइस कितनी है ऑफ एयर कंडीशनर की, ₹19,000। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस जो है एयर कंडीशनर की है 19,000, ST कितना चार्ज हो रहा है, ST कितना है 10%, लेकिन ये 10% हम किसके ऊपर फाइंड करते हैं, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। ठीक है, तो 10% ऑफ CP मीन्स 10/100 into 19,000 सॉल्व करेंगे, 00 से 00 कैंसिल, तो ST आ गया 10 into 190 मीन्स ₹1,900, ये कितना आ गया ST आ गया ये। तो ठीक है, अब हमें अमाउंट फाइंड करनी है जो पेबल होगी बाय द कस्टमर के द्वारा, वो कैसे फाइंड करेंगे, जो कॉस्ट प्राइस थी उसमें ST की जो अमाउंट है वो ऐड कर देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे अमाउंट पेबल बाय द कस्टमर, अमाउंट पेएबल बाय द कस्टमर कितनी होगी, दिस प्लस दिस। ठीक है, तो इसमें प्लस करेंगे हम 1900, ऐड करेंगे दोनों को, आ जाएगा ₹20,900। तो अमाउंट पेएबल कितनी होगी बाय द कस्टमर के द्वारा, ₹20,900। आप यहाँ इसको ST भी ऐसे लिख लिए, आप यहाँ पे लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ ST भी लिख सकते हैं, दोनों सही हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया है, समझ में आपको कैसे किया मैंने। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2, राजीव बाउट अ फैन फॉर ₹1,836 इंक्लूडिंग 8% VAT, व्हाट इज द एक्चुअल प्राइस ऑफ द फैन। राजीव ने एक फैन खरीदा ₹1,836 में और उसमें 8% VAT इंक्लूड है। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है कि एक्चुअल प्राइस क्या होगी फैन की। चलिए देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे हम। देखिए, सबसे पहले देखिए सेलिंग प्राइस क्या है, जो सेलिंग प्राइस होती है उसी में VAT इंक्लूड होता है, तो उसमें दिया है कि इतने में उसने ख़रीदा है उसको और उसमें VAT इंक्लूड है, तो देखा जाए तो कस्टमर शॉपकीपर के लिए वो सेलिंग प्राइस है और हमने उसको उतने प्राइस में ख़रीदा है तो वो कॉस्ट प्राइस है। तो आप उसे अब लिख सकते हैं प्राइस ऑफ अ फैन, प्राइस कितनी है फैन की, ₹1,836 है और इसमें आपका VAT क्या है इंक्लूड है। ठीक है, तो ये जो प्राइस है फैन की,
ये शॉपकीपर के लिए सेलिंग प्राइस है और हमारे लिए क्या है, कॉस्ट प्राइस है। लेकिन इसको हम यहाँ पे एसपी ही लिख लेंगे, ठीक है। मींस एसपी कितना है फैन का, ₹1,836 इंक्लूड वीएटी 8%, ठीक है। और वीएटी कितना दिया है 8%, ठीक है। अब एक्चुअल प्राइस नहीं पता हमें, तो हम लेट करेंगे, लेट द एक्चुअल प्राइस बी रुपीस एक्स। हम लेट कर रहे हैं कि जो एक्चुअल प्राइस है वो कितनी है, रुपीस एक्स है, ठीक है। तो देखिए सेलिंग प्राइस कैसे मिलेगा, जो एक्चुअल प्राइस होगी उसमें जब ऐड करेंगे वीएटी को तब सेलिंग प्राइस मिलेगी, यही होता है ना, ठीक है। तो जो एसपी है वो किसके इक्वल होगा, वीएटी की जो भी अमाउंट होगी प्लस एक्चुअल प्राइस के, उसी के ना इक्वल होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम वीएटी फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, वीएटी इज इक्वल टू 8% ऑफ एक्स, मींस 8/100 इंटू एक्स, मींस 8x/100 है, ठीक है। फिर जो सेलिंग प्राइस है जिसमें वीएटी इंक्लूड है वो किसके इक्वल होगा, इन दोनों के सम के इक्वल होगा, एक्स एक्चुअल प्राइस प्लस वीएटी के, एक्स प्लस 8x/100, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितनी है, लिखिए 1,836 है, इसे यहाँ लिखेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 100 प्लस एक्स प्लस 8x/100, ठीक है। ऐड करेंगे तो 108x/100 आ जाएगा। एलसीएम कैसे लिया आपको पता है, यहाँ 100 का एलसीएम लेंगे, 100 आएगा, 100 को 1 से डिवाइड करेंगे 100 आएगा, 100 को इनटू करेंगे एक्स से 100x आएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो 1 इतना आ जाएगा, 1836 इक्वल टू 108x/100, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x के इनटू में ये डिवाइड में तो यहाँ जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1836 इनटू 100 अपॉन 108 आ जाएगा, यहाँ बचेगा x, ठीक है। अब इसे कैंसिल करेंगे, पहले 4 से 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, 4 4 जा 16, 23 बचेगा तो 4 5 जा 20, 36 से 4 9 जा 36 आएगा, ठीक है। अब 3 से कैंसिल करेंगे, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3 बचेगा 15, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, तो कितना आ गया देखिए, 153/9 इंटू 100 इज इक्वल टू एक्स। अब फिर इसे कट करेंगे, 9 से कट करेंगे, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 6 बचेगा, 9 7 जा 63, तो कितना आ गया, 17 इंटू 100 इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू रुपीज 1700 या 1700। तो एक्चुअल प्राइस क्या आ गई फैन की, एक्चुअल प्राइस ऑफ अ फैन इज इक्वल टू आ गया रुपीज 1700। तो एक्चुअल प्राइस जो आ गई फैन की वो आ गई रुपीज 1700, एंड क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 में, नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 में, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रुपीज 500, द शॉपकीपर सेल्स इट एट अ गेन ऑफ 12.5%, एसटी ऑफ 15% इज ऑल्सो चार्ज, फाइंड द अमाउंट पेबल बाय द कस्टमर। कॉस्ट प्राइस जो है एक आर्टिकल की 500 रुपीज है और जो शॉपकीपर है सेल कर रहा है उसे एट अ गेन ऑफ 12.5% में और 15% एसटी भी चार्ज किया जा रहा है, तो हमें अमाउंट फाइंड करनी है जो पेबल की जाएगी बाय द कस्टमर के द्वारा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले लिखेंगे कॉस्ट प्राइस कितनी दी है, रुपीज 500, गेन दिया है 12.5%, मींस 12 × 24 + 1 = 25/2% गेन है, और एसटी कितना है 15% है, ठीक है। आपको गेन परसेंट का फॉर्मूला पता क्या होता है, गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन अपॉन सीपी इंटू 100 होता है, पता है आपको, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे, गेन परसेंट कितना दिया है 25/2, गेन की जगह गेन ही रहेगा, सीपी की जगह कितना आ जाएगा 500 इंटू 100, 100 × 100, 100 × 5 = 500, तो कितना बचेगा यहाँ 25/2 इज इक्वल टू गेन अपॉन 5। अब देखिए यहाँ पे ये डिवाइड में तो इधर आएगा तो इंटू में 25 × 5/2 इज इक्वल टू
गेन इतना आएगा, 25 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 125 अपॉन 2 इज इक्वल टू गेन। ठीक, तो हम लिख सकते हैं गेन इज इक्वल टू 125 अपॉन 2। 2 वन ज़ा 2, 2 सिक्स ज़ा 12, 2 टू ज़ा 4, 1 बचेगा पॉइंट लेके जीरो लेंगे 10 बन जाएगा, तो 2 फाइव ज़ा 10। ठीक, तो गेन कितना आ गया आपका 62.5 रुपीज़, गेन आ गया रुपीज़ 62.5। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी, जो कॉस्ट प्राइस है उसमें गेन को ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड करेंगे तो आएगा 562.5 रुपीज़। ये कितना क्या आ गया, एसपी आ गया 562.5 रुपीज़। ठीक, अब देखिए हम वीएटी फाइंड करेंगे 15%, तो अमाउंट ऑफ वीएटी कितनी होगी, 15% ऑफ 562.5। क्योंकि देखिए इसमें गेन भी ऐड करना है, इसलिए हम पहले गेन निकाल के इसमें ऐड किए हैं। अगर गेन ऐड नहीं करना होता तो वैसे हम सीपी का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो 15/100 इंटू 562.5। ठीक है, 15/100 डेसिमल हटाएंगे अपॉन 10, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000, थ्री डिजिट के पहले डेसिमल लगाएंगे तो आ जाएगा रुपीज़ 84.375। ठीक है, ये आपका क्या आ गया वीएटी। ठीक है, अब अमाउंट पेएबल बाय द कस्टमर कितनी होगी, अमाउंट पेएबल बाय द कस्टमर कितना होगा, इसमें ऐड करेंगे इसको 562.5 प्लस 84.375, दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा रुपीज़ 646.875। इसको राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है, तो आ जाएगा रुपीज़ 646.88, और यही आपका आंसर है। ठीक है, समझ में आया आपको ये क्वेश्चन कैसे किया है। ठीक है, सीपी इतना दिया था, गेन एसटी, तो पहले सीपी में गेन ऐड करेंगे तब वो सेलिंग प्राइस मिलेगी, फिर उसमें 15% जो वीएटी है वो इंक्लूड करने के लिए क्या करेंगे, उसका 15% फाइन करेंगे और वो ऐड करेंगे, तो अमाउंट पेबल बाय द कस्टमर कितना आ जाएगा रुपीज़ 646.88, और यही आपका आंसर है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 में, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 में, द प्राइस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज रुपीज़ 14,900, 12% एसटी इज चार्जेबल, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ एसटी। जो प्राइस है एक रेफ्रिजरेटर की वो कितनी है, रुपीज़ 14,900 है और 12% एसटी जो है चार्ज किया जा रहा है। अब हमें फाइंड करना है अमाउंट ऑफ एसटी कितना होगा, तो अमाउंट ऑफ एसटी कैसे फाइंड करेंगे, 12% फाइंड करेंगे इसका, तो हमें मिलेगा अमाउंट ऑफ एसटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले देखिए प्राइस कितनी है ऑफ रेफ्रिजरेटर की, द प्राइस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर की जो प्राइस है वो कितनी है, रुपीज़ 14,900। ठीक है, तो और एसटी कितना दिया है, 12%, तो अमाउंट ऑफ एसटी क्या होगा, अमाउंट ऑफ एसटी इज इक्वल टू 12% ऑफ 14,900, मीन्स 12/100 इंटू 14,900, ये कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 12 इंटू 149, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा रुपीज़ 1788, और यही है आपकी अमाउंट ऑफ एसटी, और यही आपको फाइंड करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए होमवर्क है, एक्सरसाइज 9.4 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 मैंने बता दी है, फिफ्थ नंबर आपके लिए होमवर्क है, एक्सरसाइज 9.4 आपकी कंप्लीट हो गई है, ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया है, इसे घर में एक बार अच्छे से लगाइएगा, बाद में कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।